तो गाइस यहाँ पे क्या क्या स्कैम होता है ये सारी चीज मैं वीडियो में बताऊंगा आपको, और आते हो तो साथ में आओ, मतलब कई लोग आओ, चार पांच लोग या तीन चार लोग तो होने ही चाहिए, चार पांच लोग मिनिमम। और देख सकते हो सबसे बड़ा एंजॉयमेंट यहाँ का यही है, और क्या क्या स्कैम होता है ये चीज पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। थैंक यू। आपको ये मैं बता दूं, अगर बंदे आ रहे हो तो तब तो ठीक है, बाकी एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आके। इको एडवेंचर पार्क है ये माड़ा, तो आपको मैं पूरी डिटेल मेंशन कर दूंगा। देख रहे हो जैसे बंदे पीछे हैं, तीन चार ऐसे ऐसे आते हैं ग्रुप भाई, ढूंढते हैं और चले। ओ फीचर देख के कार नहीं लेंदे, इंजन तगड़े चक्की दे, वेपन वर्ल्ड वार दे, महंगे डब्बा दे विच रखी दे, ओ टैंक फूक के डीजल दानी, मिडनाइट कर वड़दे आ, ओ यारा दे। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, माड़ा इको टूरिज्म पार्क फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। करीब शक्ति नगर से कह सकते हो, वहाँ से आपको 50 किलोमीटर पड़ेगा, वैडन होते हुए आना पड़ता है। और यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बट हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए, जैसे कि अगर आप नियर बाय कहीं भी रहते हो, या शक्ति नगर की तरफ रहते हो, या फिर NCL जैन की तरफ रहते हो, या वैडन की तरफ, तो आपको कुछ ज़्यादा खास चीज़ तो मिलेगी नहीं कि जहाँ मतलब टू एडवेंचर हो सके, तो इसलिए ये चीज़ बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हो मेन गेट है ये माड़ा इको टूरिज्म पार्क। सो फ्रेंड यहाँ आकर आपको पहले टिकट यहाँ से लेना पड़ता है, देन जाना पड़ता है, और पार्किंग वगैरह इधर मिल जाएगी, और मेन गेट इधर है। तो आपको ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि लोग जो है यहाँ पे बेसिकली एडवेंचर के लिए ही आते हैं, क्योंकि ऐसे मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि एक ऐसा केव भी है जो मतलब गुफा है, जहाँ पे श्री राम जी वहाँ पे विश्राम कर चुके हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको काले वाले बंदर मतलब मंकी मिलेंगे। तो बोलते हैं कि वो भी एक और शिवलिंग भी बहुत पुराना है, कई सौ साल पुराना यहाँ पे है, जहाँ पे बोलते हैं पुराने सिद्ध साधु लोग रहते थे वहाँ पे। तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ऐसे जंगल टाइप में है, पूरा चलते रहना है आगे को, फिर कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा, कुछ झूले मिलेंगे, और कुछ और एक्साइटमेंट वाली चीज़ भी मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे आप फोटोशूट के लिए आ सकते हो, एडवेंचर करने के लिए आ सकते हो, और प्लस वो केव देखने के लिए आ सकते हो, जहाँ पे अपनी अपनी प्रसिद्ध सिद्ध लोग मान के आते हैं कि भाई हाँ, और पुराने लोग ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, बट बोलते हैं कई सौ साल पुराना है, और यहाँ पे श्री राम जी जब वनवास सीता जी को लेने जा रहे थे, तब इस जगह पे और कई जगह पे यहाँ पे भी विश्राम कर चुके हैं, और प्लस यहाँ पे वानरों की सेना है, जहाँ पे बोलते हैं कि हनुमान जी भी आ चुके हैं, और के में शिवलिंग भी आपको मिलेगी जो कि कई सौ साल पुरानी है। तो अभी गाइस जैसा कि आपको मैं बता दूं कि देखा जाए तो भाई बोल रहे हैं कि पूरा जंगल ही है, और नेचुरल यहाँ पे आपको पूरा जंगल बनेगा मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ खास बनाया तो नहीं गया है, ये सारी चीजें खुद से हैं, और यहाँ पे वाटरफॉल भी है, जहाँ पे बोलते हैं कि लोग टाइगर और पैंथर वगैरह पहले आते थे विश्राम करने, शेर वगैरह भी, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वहाँ पे शेर भी देखा गया है, और वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा केव के साथ साथ। तो अभी फिर सो गाइस काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद जो है मतलब करीब 400 मीटर चला होऊंगा, तब उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू दिख रहा है हमें, आगे चलकर कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ कुछ लोग बोलते हैं मिनी नैनीताल वाला लुक मिलता है यहाँ पे, तो वो मैं पोज आपको डालूंगा ज़रूर, आप देखना। और यहाँ पे फोटो शूट के लिए काफ़ी बेस्ट है, वहाँ पे थोड़ी बोटिंग वगैरह का डेवलप किया जा रहा है इसे डे बाई डे, और ये बहुत बड़ा जंगल है जिसको बना दिया गया है, ग्राउंड बनाकर कुछ चीज़ें डालकर, फिर जो नेचुरली है वाटरफॉल केव्स वगैरह वो पहले से यहाँ पे थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको साउंड आ रही होगी, ये नेचुरल पानी है जो पहाड़ से निकल रहा है झरने का, उसी की साउंड है, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसे गाइस आपने देख लिया नीचे पानी बह रहा है, तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आते हैं तो आप ग्रुप में आइए, और मैंने आपको बता दिया वैडन से करीब 35 से 40 किलोमीटर है, ये वैडन से 35 किलोमीटर है पक्का, और ग्रुप में आइए ज़्यादा बेटर है, संडे वाले दिन आओगे तो थोड़े बंदे भी दिखेंगे, ऐसे ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, और दिन में आओ, ग्रुप में आओ और दिन में आओ। तो अभी हम लोग इससे पहले भी आ चुके हैं, करीब दो साल पहले या ढाई साल पहले आ चुके हैं, तो उस टाइम और अभी के में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस तो मेरे को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम क्या है कि कुछ चीज़ें बंद थी जो अभी
चालू है, तो उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी मिल जाता है। इधर किधर गया हो रहा, तो अब देखोगे तो कुछ बंदे एक्स्ट्रा दिखेंगे आपको, जैसे कि दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा बंदे नहीं है लेकिन दिख रहे होंगे। गाइस जैसे कि देख सकते हो हम लोग इससे पहले आए थे तो यहाँ पे एक पोस्ट था जो यहाँ पे झूला था काफी बड़ा, तो अभी वो देख सकते हो आप रखा हुआ है, शायद झूला मतलब कि अभी टूट गया है या फिर कुछ ब्रेक हुआ है, वरना यहाँ पे आता है नैनीताल वाला पोस्ट, मनाली वाला पोस्ट कह सकते हो, बर्फ ऐसा लगेगा मतलब हिमालय है पीछे और ग्रीनरी और प्लस रिवर, तो अभी पानी बह रहा है, ये रिवर है और इसके ऊपर भी चढ़ने वाला सिस्टम है, अभी चढ़कर भी दिखाएंगे आपको। यहाँ कुछ बच्चे इस पर इंजॉय कर सकते हो आप अपना, और आगे भी हम अभी जाएंगे उधर केव की रास्ता मिलेगी, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बैलेंस द रोप। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब जिप लाइन और टायर वॉक है, और भी आगे कुछ एडवेंचर्स हैं, तो उसके अलग से हमें पे करने होते हैं, तो बोटिंग वगैरह के भी पे करने होते हैं, हालांकि उतना वो नहीं है यहाँ पे स्कोप चीज़ों का, और काफी क्या है उसके, हम लोग दूसरी बार आ रहे हैं, हम लोगों का मूड ठीक नहीं है यहाँ पे आकर, कुछ खास है नहीं देखने के लिए, जंगली जंगल है, फोटो शूट कर सकते हो और टुगेदर मतलब कपल्स वगैरह आते हैं उनके लिए सही है, फैमिली आ रही है तो तीन चार मतलब छः सात बंदे आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है, मतलब आप बोर हो जाएंगे, और बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ये झूले वगैरह हैं अभी मैं दिखा दूंगा आपको, तो ये वाले झूले मिल जाएंगे, जिप लाइन वगैरह कर सकते हो, राफ्टिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बोटिंग है, बोटिंग भी चल नहीं रही है, वाटरफॉल केएफसी जो देखने के लिए है, वाटरफॉल पे जाके एंजॉय कर सकते हो। लेकिन गाइस आपको ये भी बता दूं ये वाटरफॉल का प्लेस है जहाँ पे आपको शेर और पैंथर वगैरह टाइगर वगैरह आते हैं, जहाँ पे रात में आते हैं, दिन में इंसान आते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ बैठने का बना हुआ है, यहाँ पे मैं पोज एक डाल सकता हूँ जो कि काफी बेहतरीन आता है, लोग यहाँ पे फोटोशूट भी करवाते हैं, और प्लस अभी देख सकते हो मेरे पापा पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो इनसे बात करते हैं कि क्या 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 लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है आने से यहाँ पे। यहाँ पर आने से बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस केव वाला वीडियो कट करेंगे, हटा देंगे, उसके लिए लिंक आपको दे देंगे, वो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप झरने का व्यू देख सकते हो। अदरवाइज ठीक नहीं है, मतलब आप बोर हो जाएंगे, और बहुत कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे, ये झूले वगैरह हैं अभी मैं दिखा दूंगा आपको, तो ये वाले झूले मिल जाएंगे, जिप लाइन वगैरह कर सकते हो, राफ्टिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बोटिंग है, बोटिंग भी चल नहीं रही है, वाटरफॉल केएफसी जो देखने के लिए है, वाटरफॉल पे जाके एंजॉय कर सकते हो, लेकिन बेबी है तो अब की बार नहीं जा रहे हैं वहां पे, आप टाइगर और पैंथर देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन लोग दावा करते हैं कि पहले आते थे वहां पे और अब भी आते हैं रात में, तो ये बंद हो जाता है 5-6 बजे तक, इसका ध्यान रखिए। तो ब्लॉग को यहीं से करेंगे एंड, और आपको मैं ये बता दिया हूँ कि अगर वन टाइम पहली बार आ रहे हो तो बिल्कुल आओ, सेकंड टाइम लेकिन मत आओ, तो यहीं से वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा है ना, अच्छा है, देखा भरत भी बोल रहा है अच्छा है, तो फिर गाइस वीडियो को करते हैं एंड, थैंक यू।